हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर। तो आज हम भाई डिस्कस करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पहले पार्ट में हम 15 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम 10वें एमसीक्यू लेने वाले हैं। ठीक है, जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि संबंध क्यू इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में से कौन सा एन मान नहीं है। ठीक है, एन का मान नहीं है ये कहना चाह रहा है। ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा एन का मान नहीं है। अब आपको पता है भाई कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। ठीक, एक मिनट, ये क्या लग गया, क्यू इक्वल टू एन ही। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है, एन होती है यहाँ पर भाई कि कितने जो यहाँ पर एन है ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन संख्या दिखाती है पर, लेकिन ये पूर्णांक होती है यहाँ पर ये। ठीक है, पूर्णांक होती है ये यहाँ पर। पूर्णांक का मतलब ये है कि ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, एन का मान कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो एक फिक्स नंबर में होता है। ठीक है, फिक्स नंबर नहीं कह सकते, यानी कोई नंबर ही होगा। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ऐसे हो सकता है। आप 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 1/2 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, जो q इक्वल टू एन ही है, इसमें जो n है ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है भाई। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या होती है, अब इनमें से वही देख लो जो पूर्ण नहीं है ना, वही ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, इसका आंसर अगर हम चूज करना चाहें, देखो चार है, फर्स्ट ऑप्शन उठाऊँ मैं तो चार क्या है, एक पूर्णांक है भाई, एकदम फिक्स नंबर है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, आठ ये भी नहीं हो सकता, फोर यानी ये एक क्या नहीं है, एन का मान नहीं है 4.2। ठीक है, ये सभी मान होंगे वैसे, देखो वैसे तो ये होंगे पर, लेकिन इसमें पूछा कौन नहीं होगा, वो 4.2 नहीं होगा क्योंकि ये भिन्न के रूप में, ये 4.2 आप सॉल्व करो, पॉइंट को हटाओगे 10 नीचे, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 21/5 जो एक भिन्नात्मक रूप में है। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब एन का मान ये नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको भाई क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन था, आपको भी ये चीज़ यहाँ पर दिखा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है क्या, ये हमसे भाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है। तो निकालते हैं, देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो एफ बराबर क्या पढ़ा है अपने, 1/4 एप्सिलॉन निर्वात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटू Q1 Q2 R² ये होता है ना, जब दो आवेश क्या हो, r दूरी पर रखे हों, तो कूलम के नियम से ये रिलेशन निकलता है, यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब आप इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लेकर जाओ इस एफ की जगह पर। ठीक है, जब ये यहाँ पर जाएगा तो देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पहुँचा, 4π क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसकी तो कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर है ना ये, तो इसका तो कोई मात्रक होगा ही नहीं। अब देखो एप्सिलॉन नॉट को जब मैं इधर लेकर जाऊँगा, इसका मतलब एफ को मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ, जब गुणा फड़ा होगा सॉल्व करके आप, तो ये यहीं पर आएगा ना, एफ इंटू ये क्या था आपका Q1 Q2 R² बताओ, यही निकला है, निकलेगा ना एप्सिलॉन नॉट का, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एफ यहाँ पर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आप यहाँ से मात्र निकाल लो इसका। अब आप कह रहे हो कि एप्सिलॉन यहाँ पर कैसे आ गया, देखो आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो कि आप देख लो कि एफ नीचे जा रहा ना, जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो एफ नीचे जाएगा तो ये समझ लो ये नीचे ही रहना है। ठीक है, एप्सिलॉन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब एप्सिलॉन ऊपर रहेगा और कोई चेंजिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हो कि 4π εr² × f एक साइड में हो जाएगा, Q1 Q2 एक साइड में रहेगा, यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना, यही वैल्यू निकलेगी भाई। ठीक है, यही देखो अब ऊपर क्या है आपका Q1 Q2 यानी ये आवेश है, ये भी आवेश है, दोनों आवेश है ना ये, तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा, इनका मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू कूलम, क्या हो जाएगा भाई, कूलम स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक, अपॉन में ना ये नीचे 4π का तो कोई मात्रक नहीं होगा, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या है, कोई त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक सॉरी त्रिज्या मान लो दूरी मान लो। ठीक है, आर क्या एक दूरी है दोनों आवेशों के बीच दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर और आर का स्क्वेयर है तो इसका मतलब मीटर का स्क्वेयर, तो ये मात्रक निकला आपका किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर तो न्यूटन टू मीटर स्क्वायर, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा भाई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे मूव करते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन नंबर ये आपका 18। ठीक, इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कड़ पर लगने वाला बल का मान होता है, आवेशित कड़ पर बल में लगने वाला, तो विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कड़ हो तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, F=Q ही होता है ना। अब यहाँ से अगर आप ये समझ लो कि E=Q क्या होता है, F1Q होता है, कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश, जैसे मान लो ये कोई आवेश है Q, ठीक है, स्रोत आवेश मानते हैं ना, वैसे हम इसे स्रोत आवेश ने किया, कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया अपना भाई खुद,
ठीक है, कोई भी आवेश है वो क्या करता है अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसमें को अगर मैं कोई दूसरा आवेश लेकर जाऊँ, यानी मान लो मैंने परिष्ठ आवेश को मैं इधर लेकर जाऊँगा, तो जो आवेश है ना ये आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है इस परिष्ठ आवेश पर एक बल लगाएगा। ठीक है, उस बल का यह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से परिष्ठ आवेश लिया तो क्यू नॉट, ठीक, क्यू नॉट से यहाँ से आप एफ निकालोगे तो एफ जब यहाँ से निकालोगे आप ये ऐसे, ठीक, तो क्या होगा जब आप यहाँ से निकालोगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो E का मल्टीप्लाई क्यू नॉट के साथ हो जाएगा और F का वैल्यू निकल आएगा यहाँ से, F का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो F इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ये आ जाएगा ना। ये अब देख लो आप, अब क्यू नॉट हो या Q हो, ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि हम परीक्षा आवेश ले रहे हैं या कोई आवेश ले रहे हैं। ठीक, अब देखो ये ऑप्शन में क्या क्यू ही यही है ना, बताओ क्यू अपन ये नहीं हो सकता। ठीक, ई अपन क्यू ये भी नहीं, रूट में नहीं, ये होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्यू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यानी इसको क्या कहते हैं हम, इसको वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट आर, इससे नोट करते हैं ना हम इसको। ठीक, अगर इसकी मैं वैद्युतशीलता, इसका क्या पूछ रहा है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, इसका मतलब ये फॉर्मूला निकलवा चाह रहा है सिंपल। अब इसका तो आपने भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा, एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। ठीक, ये एफ सन इजकल टू एफ सन अपन एफ सन। ठीक है, सिंपल एकदम आसान है भाई ये तो। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई ये, एफ सन आर इजकल टू एफ सन अपन एफ सन नॉट। ठीक है, ये होता है यहाँ पर रिलेशन। अब देखो यहाँ पर जो ये क्या है, ये आपकी आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, ये क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये है यहाँ पर, इन अगर मैं बात करूँ तो मैं। अब देखो लास्ट आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, बेस्ट तो आंसर है, पर लेकिन इसको देख लो ये नहीं हो सकता भाई ना, देखो ये हो सकता, ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, यानी ये आपका ऑप्शन होगा राइट फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, ये कह रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। भाई बताओ दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटेंगी, आपका आंसर होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या नहीं करती, काटती ही नहीं है, ध्यान रखना आप, विद्युत क्षेत्र की रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है भाई। ठीक है, काटती नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर मान लो काट भी दिया, आंसर आप लिखना चाहो तो देखो, अगर आ जाए मान लो एक नंबर में, तो इसका आंसर होगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या काटती नहीं है, क्योंकि जिस बिंदु पर ये काटेंगी ना उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा हो जाएंगी। जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, एक मिनट पहले इसको रफ करता हूँ मैं भाई। ठीक, एक मिनट आप देखो, मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो एक विद्युत क्षेत्र, ये पेन ले लिया, ये विद्युत क्षेत्र एक, ठीक, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखा है एक, मान लो ऐसे काट दिया ना दोनों को, मान लिया बस काटती नहीं है। ठीक है, अब मान लो अब आपको क्या करना है कि आपको बताया कि किसी भी जो भी हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा, अगर उस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, क्या करूँगा मैं उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा, वो अब क्या होगी, उस पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जिस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा ना, जिस बिंदु पर, जिस भी विद्युत बल रेखा पर, जिस भी बिंदु पर खींचूंगा और जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र, जो मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा जिसकी दिशा होगी, जो कि जो भी मैं खींच रहा हूँ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम देखें विद्युत क्षेत्र दिशा, तो देखो इस पर मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो सॉरी स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो ऐसी आएगी, इस पर खींचूंगा तो ऐसी आएगी। अब मान लो देखो ये ई वन है भाई, इस बिंदु पर इसकी जो हमारा विद्युत क्षेत्र है उसके लिए ई वन इधर डायरेक्शन में और ई टू इधर डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, एक ई1 इधर है, ई1 ई2 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते भाई। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आपका ऐसे गलत है भाई। ठीक है, अगर आप ईगो नंबर में आता तो आप ऐसे लिख सकते थे इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र की बीमा है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की बीमा, वैसे तो आपको पता होगा अभी हमने एक रिलेशन निकाला था, ई इक्वल टू क्या था, एफ वन क्यू। ठीक है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बीमा ध्यान रखना, यहाँ से आप निकाल सकते हो इसकी बीमा। तो देखो आपको पता होना चाहिए बल की बीमा क्या होती है, नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखो मैं एक पेज ले लेता हूँ, बल की बीमा नहीं पता आपको, ठीक है, एफ की, तो एफ का फॉर्मूला तो पता होगा क्या, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब द्रव्यमान की तो भाई सबको पता होती है, द्रव्यमान तो यही खुद में एक बीमा है, ठीक है, स्टार्टिंग यही है। द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, एम, एम हो जाएगी ना, ठीक,
ठीक, मास से नोट कर देना, वैसे ये समुद्र मान को मास से तो एम से नोट कर दिया, इससे लंबाई होती तो एल से करते हैं तो एल से नोट कर देते हैं उसे विमा में। अब देखो एक्सेलरेशन है, अब आपको एक्सेलरेशन की वजह से डायरेक्ट पता हो तो अच्छा ही है, क्योंकि एल टी माइनस टू होती है इसकी, ठीक है। अब वैसे अगर नहीं पता ना तो आप कैसे निकाल सकते हो, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, वहाँ से आपको वेग परिवर्तन की पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप जा सकते हो और आगे, वैसे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं खाली, ठीक है। ए बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय, ठीक है। अब वेग परिवर्तन की वैसे होती है एल टी माइनस वन ये, और इसकी क्या हो जाएगी समय की टी हो जाएगी, टी को आप ऊपर लेकर जाओगे तो एल टी माइनस टू आ जाएगी, इसकी विमा कितनी आ गई एक्सेलरेशन की त्वरण की एल टी माइनस टू आ गई, ठीक है। ये होता है, अब इसकी देखो द्रव्यमान की एम, इसकी कितनी आई है एल टू माइनस टू, रुको मैं यहाँ पर तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज देखो, एफ इजिकल टू एम ए, द्रव्यमान की क्या थी एम से, ये क्या थी एल टी माइनस टू। अब देखो यहाँ से बल्क की विमा कितनी आ गई एम, ये एल, ये माइनस टी माइनस टू, ये हो गई। बताओ बल्क की विमा ऐसे निकाल लिया हमने, ठीक है, ऐसे तोड़ते जाओ आप, ऐसे निकाल लोगे भाई, ठीक है, सिंपल एकदम। अब देखो यहाँ से बल्क की विमा अभी निकाली थी हमने, क्या आई थी एम एल टी माइनस टू, आवेश, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टू होता है, होता है कि वो नहीं बताओ, ये धारा, धारा खुद में एक भाई विमा है, सो ठीक है। आई, आई क्या है विद्युत धारा, आई विद्युत धारा को हम आई से नोट करते हैं, ठीक है, जिसकी विमा क्या होती है एम्पियर, ठीक है। ये यानी ये खुद फंडामेंटल जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, फंडामेंटल जो हमारी राशि होती है उन्हीं में आती है ये विद्युत धारा, ठीक है, सात होती है आपको पता होगा भाई। अब देखो साइन समय टी, समय ना इसकी क्या हो जाएगी विमा टी हो जाएगी, ठीक है, समय भी खुद में ये फंडामेंटल है, ठीक। तो ये ए हो गई, ये टी हो गई, क्या आएगी यहाँ से क्यू की विमा कितनी आ गई ए टी, ठीक है, क्यू इजिकल टू आई टी, धारा की ए, समय की टी, आ गया ए टी, ठीक है। तो इस अपॉन ए टी, ये हो गया ना। अब देखो क्या विमा निकली इसकी यहाँ से, अब देखो आप टी से ए कैंसिल हो जाएगी एक टी, ठीक है, सॉरी नहीं कैंसिल होगी, नहीं होगी भाई, नहीं होगी, ये मैंने मिसप्रिंट कर दी, नहीं होगी, क्योंकि ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा ना। तो देखो इसको आगे सॉल्व करें यहाँ से अगर हम, तो क्या था एम एल टी माइनस टू अपॉन, ये यहाँ से आया था ए टी, ठीक है। अब आप क्या करोगे एम एल टी माइनस टू, ये तो है ही, अब इधर ऊपर लेकर जाओगे तो देखो ये ऊपर जाएगी ए माइनस और टी माइनस, ये हो जाएगी ना, ठीक। अब देखो आप एम एल टी इधर, ये टी इधर, तो माइनस टू और माइनस थ्री माइनस का थ्री, वो सॉरी माइनस टू और माइनस वन माइनस का थ्री, ए माइनस वन पहले से ही थी, ये हो जाएगी आपकी विमा एम एल टी माइनस थ्री माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये ठीक है। तो देख लो आप एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन आया था आंसर, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप, ठीक। आपको देखो ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी ध्रुव चौधरी लेक्चर्स पर भाई, ठीक है, टेलीग्राम आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, देखो ये तो शब्द में ही आंसर ले छुपा है इसका, क्या कह रहा है पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है सरफेस, सरफेस का मतलब एरिया। अब ए सी समझ जाओ आप कि पृष्ठ आ रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल तो होना ही होना चाहिए इसके फॉर्मूले में, ठीक है। तो ऐसा भी ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो इसमें आयतन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, आयतन तो हो ही नहीं सकता, ये देखो आयतन, तो ये ऑप्शन तो हमने इस, यानी अगर आपको नहीं पता तो क्योंकि आंसर बता दिया हमने, ठीक है, आयतन तो हुआ नहीं क्यों पृष्ठ, ठीक है। अगर आयतन घनत्व होता तो हम समझ सकते थे भाई, ठीक है, आयतन होगा, इसका मतलब ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है इन दोनों में से, अब चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है पृष्ठ घनत्व सिग्मा से नोट करते हैं भाई, ठीक है, सिग्मा बराबर कितना होता है क्यू अपॉन ए, ये होता है पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला। अब इस पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से नोट करते हैं, आवेश को क्यू से, क्षेत्रफल को ए से, देखो लो आप कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ये दिख रहा है ना आपको ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, कुल आवेश अपन, देखो ये मल्टीप्लाई में तो ये नहीं होगा, अपॉन वाला होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पानी का प्रवाहकत्वांक स्थिरांक होता है, तो पानी का वैसे देखो 81 आता है किसी किताब में, वैसे एग्जैक्ट तो 81 ही होता है, ठीक है, कभी मैं 80 पॉइंट कुछ आ जाए मान लो, ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर रहेंगे। तो वैसे तो देखो इसमें 80 दिया है, तो 80 हो या 81 हो, ठीक है, या 80 पॉइंट कुछ हो, ठीक है, वो सभी क्या होंगे पानी के प्रवाहकत्वांक स्थिरांक होंगे, आपको ये ऑप्शन में देखते हैं तो आप आंसर लगा देना भाई, ठीक है। तो 80 दिया है तो 80 हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा 80, पानी का प्रवाहकत्वांक स्थिरांक कितना होता है 80 होता है, ठीक, सिंपल एकदम।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं पी से, पुनः क्या होता है पी इक्वल टू क्यू इंटू ए, सॉरी क्यू इंटू टू ए होता है। ठीक है, जैसे मान लो विद्युत ध्रुव आघूर्ण मैं बताना चाहूँ तो एक पर माइनस क्यू आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश, देखो दोनों समान परमाणु के होते हैं पर लेकिन विपरीत आवेश के होंगे। ठीक है, एक नेगेटिव होता है पॉजिटिव होगा पर लेकिन उनका परिमाण समान होगा, देख ध्यान रखना विद्युत ध्रुव आघूर्ण में, और इनके बीच की दूरी को हम 2a लेकर चलते हैं। ए भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इनके बीच की दूरी को हम 2a लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन निकलता है पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a विद्युत ध्रुव आघूर्ण का। अगर आपसे दिशा भी पूछे विद्युत आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है तो आप ध्यान रखना विद्युत आघूर्ण की जो दिशा होती है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है अगर आपसे पूछे तो। अब इसमें पूछा वो ऐसा ही मात्रक, तो आप इसका कूलम, ये कोई दूरी है, दूरी का मीटर, तो कूलम इंटू मीटर देख लो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको। देखो मीटर स्क्वायर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कूलम इंटू मीटर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, मीटर स्क्वायर है ना, देखो ये नहीं हो सकता, ये अपॉन में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 25 जो शायद लास्ट क्वेश्चन होगा भाई। ठीक हाँ, तो देखो निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो देखो ये आप ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, IIIMP क्वेश्चन है। ठीक, देखो किस राशि का मात्रक विद्युत फ्लक्स, विद्युत धारिता, विद्युत क्षेत्र, देखो आपको पता होगा भाई अगर आप यहाँ से निकालोगे क्या वैसे या वो देखो ऑप्शन से देखो आप, देखो विद्युत धारिता सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ओपन भी होता है, होता कि नहीं होता बताओ, विद्युत धारिता को हम सी से नोट करते ना तो सी इक्वल टू क्यू ओपन भी, क्यू क्या आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, और ये क्या है विभव या विभवांतर समझ लो। ठीक है, कि इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, तो कूलम प्रति वोल्ट है, क्या ही होगा तो धारिता का तो होगा नहीं भाई। ठीक है, कूलम प्रति वोल्ट। ठीक, अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र का, ठीक तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है इजिकल टू एफ पॉन क्यू। ठीक है, दो रूप में हो सकता है, देखो इन दोनों को मैं समझाऊंगा आपको, विद्युत क्षेत्र इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, वोल्ट इनटू मीटर और वोल्ट पर मीटर, इसी का अंतर होता है बस। ठीक है, जो नहीं है उनको समझा दूँ, धारिता का नहीं हुआ ऐसे। अब देखो विभव का मात्रक वोल्ट होता है सीधा सीधा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब फ्लक्स को देखो आप, तो 5 बार क्या होता है ईए, पढ़ा है ना आपने ई क्या मान, ई का क्या होता है फॉर्मूला बी अपॉन एल इन टू ए, ये आपने पढ़ा होगा। ई इक्वल टू होता है ना बी अपॉन एल, ये रिलेशन होता है। बी क्या है यानी विभव है, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, लंबाई है मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, क्या निकला वोल्ट इंटू मीटर, क्या निकला वोल्ट इंटू मीटर, तो ये भी नहीं है भाई इसका आंसर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स भी नहीं निकला, क्या निकला वोल्ट इंटू मीटर निकला इसका फ्लक्स का, इसका मतलब क्या बचा विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा आपका वोल्ट प्रति मीटर, ध्यान रखना वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स का और वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का भाई। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट ये आपका भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बस भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। भाई आप शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 2023 को टारगेट करने वाले हैं। ठीक, तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, इसको भाई आप ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करना भाई। ठीक, तो बस आपको भी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।